हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था फैक्टराइजेशन से रिलेटेड लेक्चर नंबर 6। जिस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरीके से हम लोग कॉमन लेकर के फैक्टराइज करते हैं, मतलब हम लोग मेथड की बात किए थे, जो हम लोग मेथड डिस्कस किए थे टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्रुपिंग की बात हम लोग करने वाले हैं, किस तरीके से हम लोग ग्रुप करके फैक्टराइज करते हैं। तो हमने, आप देख रहे होंगे कि हमने 4 क्वेश्चंस जो है व्हाइट बोर्ड पर लिख रखा है और कुछ स्पेस भी हमने छोड़ रखा है। एक हमने अप्रोक्सीमेटली स्पेस लिया है जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस टाइप से है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 टेट्रानोमियल है। हम 2 का ग्रुप बनाएंगे। आप देख रहे होंगे ग्रुप आप कैसे ही बना सकते हैं, मतलब फर्स्ट 2 को ही बना सकते हैं, फर्स्ट 3 को ही बना सकते हैं और सेकंड इसे ही बना सकते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट 2 को बना रहा हूँ पहले, मान लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए बी और बी सी में कॉमन आपका बी हो जाएगा। तो यहाँ ए होगा और यहाँ पर सी होगा, इन दोनों में कॉमन एक्स होगा। तो डेफिनेटली आप बोलेंगे कि ए प्लस सी होगा। अब देखिए ए प्लस सी यहाँ भी है, ए प्लस सी यहाँ भी है। तो ए प्लस सी हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बी आएगा और ये प्लस एक्स आएगा एंड दिस विल बी द आंसर। यहाँ पे जरा देखिए तो ये डायरेक्टली हमें टेट्रानोमियल दिख नहीं रहा है, 4 टर्म दिख नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर ऐसे लिख दिया और b से इंटू कर लेते हैं। ये देखिए माइनस यहाँ पे है तो माइनस ए बी होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस b और ये माइनस 1। b से हमने इंटू किया है तो दोनों में करेंगे, a में भी करेंगे 1 में भी करेंगे। तो 1 से आप इंटू करेंगे b में तो b ही आएगा। साइन का जरूर ध्यान दीजिएगा ना। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है, डेफिनेटली आप कहेंगे कि ये भी कॉमन है। तो यहां b आएगा, यहां पे 1 आएगा। b माइनस 1 में कॉमन कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 कॉमन होगा b माइनस 1। तो अब जरा देखिए b माइनस 1 यहां भी है, यहां भी है। तो b माइनस 1 आप कॉमन ले लीजिए तो ए बी आएगा और ये प्लस 1 आएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम लोग डिस्कस क्या कर रहे हैं, ये तो क्लियर है ना। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, मतलब हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हम लोग अपनी सुविधा अनुसार ग्रुप कर करके हम लोग फैक्टर निकाल रहे हैं। यहां पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 टर्म है। अगर हम इन तीनों को एक साथ ले लें तो क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। डेफिनेटली ये फॉर्मूला हो जाएगा किसका, a प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर। इन दोनों में देखिए माइनस यहां भी है, माइनस यहां भी है, तो 5 कॉमन, a प्लस 1 बाई ए। अब जरा देखिए ध्यान से, ए ठीक से लिखिएगा, कभी कभी ए जो है 9 लगने लगता है। तो ए आप अच्छे से बनाएंगे, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। तो ए प्लस 1 बाई ए होल स्क्वायर है और यहां पे 5 इंटू ए प्लस 1 बाई ए है। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि ए प्लस 1 अपॉन ए कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा, यहां पे आएगा ए प्लस 1 अपॉन ए और ये माइनस 5 एंड दिस विल बी द आंसर। एक क्वेश्चन और भी है, फोर्थ किया जाए। यहां भी देखिए 1, 2 और ये 3, डायरेक्टली ये टेट्रानोमियल नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, y स्क्वायर और ये आप इंटू कर लीजिए तो माइनस ए इंटू वाई, तो माइनस ए वाई हो जाएगा और माइनस बी इंटू वाई, तो माइनस बी वाई हो जाएगा और ये है आपका ए बी।
अब देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, वाई कॉमन, तो वाई कॉमन ले लीजिए, तो वाई माइनस ए, माइनस बी वाई प्लस ए बी, तो माइनस बी कॉमन ले लीजिए, तो वाई माइनस ए, वाई माइनस ए यहां भी है, वाई माइनस ए यहां भी है, तो y माइनस ए और y माइनस बी, y माइनस ए कॉमन लिया, कॉमन लिया तो y और ये माइनस बी, एंड दिस विल बी द आंसर। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने टाइप ग्रुपिंग की बात किया है। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो लेक्चर।